आज हम आगे पुणे के सबसे फेमस गार्डन वड़ा पाव पे। इनके यहाँ के जो वड़ा पाव पूरे पुणे में बहुत ही ज्यादा फेमस है। लाइन से वड़ा पाव लो, लाइन से। पुणे में आया तो गार्डन वड़ा पाव नहीं खाया तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाया। आके जरूर खाना। फेमस बोले तो एक नंबर फेमस है गार्डन वड़ा पाव। पतीला भर के यहाँ पे बेसन का बैटर बनाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या क्या डालते हैं इसमें। तो सोडा डाल दिए गए, तो ये आ गया सॉल्ट। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, अंदाजे सब हर चीज़ें मिलाई जाती है इसमें। तो बेसन का बैटर हमारा देख सकते हो 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगा ये। तो देख सकते हो पूरी की पूरी यहाँ पे ट्रे आ चुकी है बटाटा की। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो हमारे गर्मा गर्म वड़ा पाव लगाया जा रहा है। कढ़ाई का साइज देखो कितना बड़ा है और यहाँ पे पूरी कढ़ाई भर के वड़ा पाव लगने जा रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बैटर के अंदर अच्छे से डिप करके यहाँ पे हमारे वड़ा पाव लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही काम चलता रहता है, ऐसे ही वड़ा पाव बनते रहते हैं। फटाफट वड़ा पाव बनते हैं, फटाफट सेल होते हैं। तो ये आलू का इनका मसाला रहता है, तो इसको अच्छे से बैटर में डिप करके कढ़ाई में डाला जा रहा है और इसका कढ़ाई का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है और पूरी पूरी कढ़ाई भर के यहाँ पे वड़ा पाव लगाया जा रहा है। अगर आप पुणे में रहते होंगे आपने नाम तो सुना ही होगा गार्डन वड़ा पाव। भैया कढ़ाई में एक साथ कितने वड़ा पाव हो जाते हैं यहाँ? 100 से 150 यहाँ पे वड़ा पाव एक साथ कढ़ाई में बन जाते हैं। तो मैंने इतनी ज्यादा क्वांटिटी वड़ा पाव पहले लगते नहीं देखे। क्वांटिटी देख सकते हो एक साथ कितने सारे वड़ा लगाए जा रहे हैं। अभी 5 से 10 मिनट हुए और पूरी कढ़ाई भर के यहाँ पे वड़ा लगा दिए। फटाफट बन रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं। जैसे जैसे बन रहा है वैसे ही दुकान में जा रहा है। और यहाँ पे लाइन आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वड़ा पाव के लिए। तो देख सकते हो वड़ा हमारे यहाँ पे हाफ फ्राई हो चुका है, अब इसको फुल डन किया जाएगा। 100 से 150 वड़ा एक साथ यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो चूरा अलग कर लिया गया है, अब यहाँ से वड़ा निकाले जाएंगे। एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे 100 से 150 वड़ा पाव लग के रेडी हो चुके हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी इनको यहाँ पे पतीले में निकाल लिया जाएगा। अक्षय दीपक नायकू शॉप को अभी 1972 से चालू था, हमारे दादाजी ने चालू किया था, 50 साल पूरा हो गया। टेस्ट है अपना, क्वालिटी वैसे मेंटेन करते हैं। 20 रुपीज का वड़ा पाव है, वड़ा पाव है, छाछ है, बटर मिल्क छाछ रहता है ना वो है, खरवस रहता, हेल्दी रहता बहुत। तो अपना स्पेशल आइटम खरवस है, वो 40 रुपीज का आता है 100 ग्राम। वड़ा पाव जो रहता है बॉम्बे स्टाइल में रहता है यहाँ पे? नहीं नहीं, अपना खुद का स्टाइल है, बॉम्बे स्टाइल नहीं। चटनी पालक पुदीना चटनी है उनकी। तो पाव में हमारे यहाँ पे चटनी लगाई जा रही है इनकी, ग्रीन चटनी। और ये आ गया इनका बड़ा, और थोड़ा सा उसमें चूरा डाला जाता है और साथ में आपको मिल जाएगी हरी मिर्च, अचार और प्याज। तो फाइनली पुणे का फेमस गार्डन वड़ा पाव का यहाँ पे वड़ा पाव लग चुका है। तो देख सकते हो ये इनका वड़ा पाव, और अंदर आपको दी जाएगी ग्रीन चटनी, ऊपर से डाला गया है बड़ा, साथ में आपको चूरा मिल जाएगा, नींबू का अचार मिल जाएगा, मिर्ची फ्राइड मिर्ची मिल जाएगी और थोड़ा सा प्याज और धनिया। तो आप साइज देख सकते हो काफ़ी बड़ा है इसका। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव खाया मैंने, कोल्हापुर स्टाइल खाया है, और आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ पुणे स्टाइल वड़ा पाव। और आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, स्पेशली जो उनकी ग्रीन चटनी है उसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। साथ ही साथ फ्राइड मिर्ची खाओगे आपको इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। टाइमिंग क्या रहती है सुबह 8:30 बजे से रात से 9 बजे तक? कैंप में आए ना पुणे कैंप में, तो गार्डन वड़ा पाव किसको ही पूछो, बता देंगे आप। तो अगर अभी पुणे रहते हैं, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा वड़ा पाव खाना चाहते हो ना, तो गार्डन वड़ा पाव पे आके इसको टेस्ट कर सकते हो। ये शॉप आपको मिल जाएगी पुणे के कैंप में। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस रहता है 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ में आपको बढ़िया सा वड़ा पाव खाने को मिल जाएगा तसल्ली के साथ। तो इस वड़ा पाव को मैं अब यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।